राम राम जी। हर्षिता फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और टाइम हो गया अगला दिन सवेरे 5:30 का, और मैं और मेरी मम्मी पूनम सोनू सारे उठ गए। सोनू सोवे थी, पूनम उठ गई थी, हम तीनों उठ गए थे। तो मैंने सोचा टाइम क्यों खराब करा, अपना एक आधा सूट की कटिंग कर लिया। मम्मी लाग रही अपने साफ सफाई करण, मैं लाग गई हूँ सूट की कटिंग करण। पूनम बैठी है नाप नूप देवगी, और सोनू सोन लाग रही है, क्यों उसकी नाइट की ड्यूटी हो रात की, तो उसने नाइट की ड्यूटी करनी हो तो वह दिन में सोया करे लेट तक। और सिलाई का काम हमारा बहुत पड़ा है, इबे 4-5 सूट है जो सिलने रह रहे हैं। और ये पूनम का सूट है, कटिंग कर दूंगी। और आज तो सिला को नहीं, बस ये एक के सूट कटिंग होया है मेरे पे, क्यों आज तिलक का प्रोग्राम है और अलवाई आ गए थे, जल्दी आ गई। ये भी अपने बना बनो के तैयार कर देंगे, और पहले पकोड़े बनन की तैयारी होने लग रही है। जो जो बनाने हैं अपने ये लग रहे हैं सारे। और आज सारे बीजी इतने हैं, काम सारा बिखरा पड़ा है। कड़ा तो शुरू करा और कड़ा खत्म करा। और यह मेरा छोटा भाई, ये सारा काम संभाल रहा है बेचारा, सारी टेंशन इसका सिर पे है। और यह अपनी जिम्मेदारी जमा बढ़िया तरीके से निभाने लग रहा है। छोटा होने का फर्ज निभा दिया इसने, की बात सब कुछ इससे ने संभाला है, सारी सेटिंग कर रखी है। और ये बाहर होने लग रही है तैयारी, सारा सामान बाहर भी बिखरा पड़ा है इबे, तो सेटिंग लाग रही है सारे करण। और नब्बू खड़ी खड़ी देखा बेचारी, और अरमान और पूनम लग गए हैं लसन छिलवाण। सारे आप आपके काम में बिजी है आज। और हमारा तो बेरा ही कोनी के करण लाग रहे हैं, हर के नहीं छोटे छोटे काम में इतने लिकड़ लिकड़ के आवे है कि सब बेरा ही कौन लागदा ना दिख दे वो काम। और बुआ और ताई आ गई हैं, और पापा की है तबीयत थोड़ी खराब, इंजेक्शन लगवाए हैं। और ये कमरा ही खाली करना है हमने, इसकी साफ सफाई करांगे पहला। और ये सारी भाभी आ गई मिलन, भाभी सारी इसी है स्पेशल मिलन आ जाकर मारते। हमने तो टाइम मिला को नहीं, पर ये मानना जरूर मिल के जावे। यार पूनम ने अपना नब्बू ही बनाने की तैयारी पे है, और सेटिंग सारी लगभग हो गई है बाहर की। तो खाना खाना लगाना रह रहे हैं, फिर हम हो जाएंगे तैयार अपने नहा धो के। खाना लगभग तैयार हो गया है, रोटी ले आओगे?